हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे तरी वाली वेज तरकारी। ठीक है, ये मेरे हस्बैंड बनाए हैं, बहुत प्यार से बनाए हैं, क्योंकि 3 दिन हमें बनाया नहीं रहता है ना, बनाना नहीं रहता है रज संक्रांति में, इसलिए। तो देखिए ये तरकारी क्या क्या मैं सब ली हूँ, सब मिक्स वेज ले ली हूँ, टमाटर लहसुन प्याज सब मैं ले ली हूँ। अब 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिए हैं, गर्म हो जाने के बाद आपको यहाँ से मैं बताती हूँ क्या क्या डालना है। तो 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिए हैं, अब गर्म हो जाने के बाद सब मैं हाई फ्लेम मीडियम फ्लेम में ही कर रही हूँ। तो ये अदरक, सॉरी मैं रॉन्ग बोल रही हूँ, ये जीरा डाले हैं, 1 चम्मच जीरा डाल दिए हैं। फिर इसी के साथ में सारा सब हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च डाल दिए हैं, फिर लहसुन भी डाल दिए हैं, सब साथ में डाल रहे हैं हाई फ्लेम में, और 1 ऑनियन भी डाल दिए हैं। और यही थोड़ा फ्राई कर लेंगे, फिर साइड करके इस तरह मेरे हस्बैंड बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट लगती है, एकदम सिंपल सी है तरी वाली तरकारी, वेज तरकारी तो इसे हम बोलते हैं। ठीक है, आप अपना नाम दे दीजिए, कोई भी नाम देना हो तो ये सब्जी को देखकर। तो देखिए अभी साइड करके थोड़ा टमाटर भी, देसी टमाटर 3 देसी टमाटर छोटे छोटे, वो काट कर भी साइड में इसे डाल दिए हैं, और सब एक साथ वो पका लेंगे हम। पहले ऐसे सब पहले पकाते हैं फिर डालते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड इस तरह से करते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फिर ये जो चना दाल बोल रही हूँ, ये चना दाल नहीं है, ये लाल चना है, 1 कप में डाली हूँ, रात को भिगो कर रख दी थी, ये 1 कप लाल चना, ये भी डाल दिए हैं, और हाई फ्लेम में ही सब फ्राई कर रहे हैं। बहुत ही ये टेस्टी लगती है, आप बनाइए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा मेरे हस्बैंड के हाथों का। फिर ये है परवल, 3 परवल था, ये 3 या 2 परवल ऐसे काट कर डाल दिए हैं, 1 बैंगन को डाल दिए हैं, देसी बैंगन जामुनी कलर का, और 2 छोटे पोटैटो, क्योंकि हमें काटना नहीं रहता है ना। और यह है सोया वड़ी, जो सोयाबीन या सोया वड़ी बोलते हो, वो भी 1/2 कप डाल दिए हैं। फिर इसमें हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और फिर ये गरम मसाला, और धनिया पाउडर फिर थोड़ा सा डाल दिए हैं, और लहसुन और अदरक का जो सूखा देगी, मतलब कूटा हुआ ऐसे आता है ना पैकेट, वो डाल दिए हैं थोड़ा, 1/2 चम्मच, बस इतना ही डालकर पूरा मिक्स कर देंगे, और लास्ट में नमक स्वादानुसार। ये बहुत अच्छा लगता है, और फिर सबको मिक्स करके हम 2 कप पानी डाल देंगे। यहाँ पर गुजरात साइड में लाइट बहुत जल्दी चली जाती है, तो वीडियो थोड़ा लेट आता है, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्या करेंगे, सब पूरा लाइट चला जाता है तो नेट भी अवेलेबल नहीं रहता है, इस वजह से थोड़ा वीडियो लेट होता है और मैं नहीं बना पाती हूँ फिर। ठीक है, तो देखिए इस तरह मेरे हस्बैंड ये 3 दिन हमारे लिए बहुत अच्छे से खाना बनाते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है। पूरा मिक्स कर दिए हैं, अभी पूरा 2 कप पानी डाल देंगे, पूरा सब्जी को थोड़ा देख कर, मतलब डूबना चाहिए उतना पानी डालेंगे, 2 कप बस इतना ही, 1 इंच मतलब सब्जी के ऊपर तक ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इतना डूबा हुआ होना चाहिए, किसी को भी आ जाएगा हर एक को, और बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर ढक्कन लगा दिए है कुकर का, ढक्कन पूरा मिक्स करके 4 विसल आने तक ले लेंगे, सीटी लगा लेंगे, तो 4 विसल हो जाने के बाद देखिए अब देखते हैं कैसा लगता है। तो देखिए तरी वाली तरकारी इतनी टेस्टी लगती है, आप इस तरह करके देखिए, सिर्फ चावल और ये जो वेज तरी वाली तरकारी खाकर आनंद लीजिए, और कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। मैं सिर्फ सर्व कर रही हूँ, बाकी सब मेरे हस्बैंड बनाए हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगी हमें, और सिर्फ चावल और ये तरकारी और आम के साथ खाइए और मजे लीजिए, और कैसा लगा हमें बताइएगा। ठीक है, तो मैं तो ये 3 दिन तक नहीं बना पाऊँगी, इसलिए मैं हस्बैंड जैसे बनाते हैं मैं आपको वो वीडियो बता देती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जैसे बैचुलर बच्चों को अगर नहीं आएगा तो इस तरह तरकारी बना सकते हो और खा सकते हो और हेल्दी रह सकते हो, ये बहुत ही ये गाँव में ज़्यादातर इस तरह बनता है। ठीक है, तो मेरे चैनल को अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल कुक विद मिसेस साहब को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, देखिए कितना अच्छा लगता है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बाय फ्रेंड्स।